नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि FCI में बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है। एक बार पुनः आप देखेंगे तो आयोग की वेबसाइट पे, FCI की वेबसाइट पे इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 6 सितंबर से मैंने बोला था फॉर्म भरा जाना है, तो 6 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। ये है आपके सामने वो जो वैकेंसी का डिटेल्स है, इसमें जोन वाइज वैकेंसी निकलती है, टोटल 5043 पद, जैसा कि मैंने बताया था। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो से देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि FCI से संबंधित सारी तैयारी, जो भी आपके बैच चल रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर बहुत विधिवत तरीके से मिलने वाली है। हालांकि इतना पूरा सिलेबस एक बार में पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म सारी चीजें दिखा देता हूं कि इसमें क्या है। कुल 6 प्रकार के इसमें पद होते हैं, जूनियर इंजीनियर से लेके स्टेनो से लेके। आपका AG3 कैटेगरी का होता है, AG कैटेगरी 3 में आपके टोटल 4 पद होते हैं, जिसमें जनरल होता है, आपका डीपो होता है, और आपका टेक्निकल होता है, और हिंदी होता है। तो ये आपके 2 JEE के हैं, जूनियर इंजीनियर के हैं। जूनियर इंजीनियर इन द सेंस आपका हो गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और आपका सिविल। तो सिविल का अलग दिया है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एक दिया है कि यहाँ पे, और इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, टोटल 48 पद आपका सिविल में है, 15 पद आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में है। दोनों में या तो आपका रेस्पेक्टिव स्ट्रीम में आपका डिग्री होना चाहिए, या फिर अगर डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम स्टेनोग्राफर का देखें तो स्टेनोग्राफर में टोटल 73 पद है। इससे पहले ओ लेवल भी मांगता था, इस बार ओ लेवल नहीं मांगा है, बस आपका 80 वर्ड पर मिनट से आपका क्या होना चाहिए स्टेनो, और 40 वर्ड पर मिनट से आपकी उसकी स्पीड होनी चाहिए, स्टेनो इंग्लिश में रहता है। असिस्टेंट ग्रेड, ये आपके लिए सबसे मुख्य जो वैकेंसियां हैं उसको मैं बता दूं तो असिस्टेंट ग्रेड 3rd जनरल, इसमें केवल एक पेपर होता है। ये पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 क्या है ये भी मैं बता दूं, कायदे से पहले पेपर 4 होता था, कैटेगरी 3 का है। FCI 4 कैटेगरी में पेपर निकालता है। कैटेगरी 1 जो होता है वो आपका मैनेजर का होता है, जॉइंट मैनेजर से नीचे वाला। जो कैटेगरी 2 होता है वो भी आपका मैनेजर का होता है। कैटेगरी 3 में आपके नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं, और कैटेगरी 4 में आपके वॉचमैन वाले होते हैं। तो ये कैटेगरी 2 की इससे पहले ही आ गई थी, कैटेगरी 3 की अभी आई है, और इस कैटेगरी 3 में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है सारे, टोटल 5043। मैंने आपको बोला था कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 मिला के 10,000 पद आने वाले हैं, और टोटल 10,000 पद ही आएंगे। अभी कैटेगरी 3 में 5043 पद आए हैं, बाकी 5,000 पद कैटेगरी 4 में लगभग आएंगे। तो पेपर 1 क्या होता है, जैसे इसमें 2 फेज में पेपर होता है। फेज 1 सभी के लिए कंपलसरी, आप JEE के हो या फिर आप AG3 का कोई पेपर दे रहे हो, सारे के लिए फेज 1 देना जरूरी है। फेज 1 में 25 25 25 25 के 4 सेक्शन होते हैं, और चारों में आपके एक मैथ्स होता है, एक रीजनिंग होता है, एक आपका इंग्लिश होता है, एक आपका GS होता है। ये एकदम बैंक की तरह पहले जैसे होता था वैसे ही होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा पेपर मॉड्यूल हल्का होगा। और इसमें क्या होता है, सेक्शनल टाइमिंग होता है, हर में 15 15 मिनट अलॉट होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, 1/4 नेगेटिव होता है। उसके बाद फेज 2 होता है, फेज 1 का मार्क्स जुड़ता नहीं है, फेज 2 के मार्क्स जुड़ते हैं। फेज 2 में फिर से पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जैसे फेज 1 में होता है लगभग लगभग वैसे होता है। फेज 1 में जो पेपर 1 होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, फेज 2 में जो पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 30 30 30 30 की कैटेगरी बढ़ जाती है, 20 20 20 और 45 की कैटेगरी पेपर 1 में हो जाती है, पेपर 3 में 30 30 30 30 हो जाती है, और पेपर 2 में रेस्पेक्टिव पेपर के 60 क्वेश्चन होते हैं, जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक पड़ी है उससे सारी डिटेल्स ले सकते हो। इसमें देखें तो इसमें जनरल के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, केवल आप ग्रेजुएशन हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। 948 पद आपके जनरल में आए हैं। उसके बाद अगर अकाउंट का देखा जाए तो 406 है। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन BCOM से होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल है, टेक्निकल में जैसे आपका BSc एग्रीकल्चर से है, या फिर आपका BTech वगैरह है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी से अगर BTech वगैरह है तो आप डाल सकते हो 3। और एक आता है डीपो, जो डीपो भी सबसे ज्यादा पद डीपो में आता है, सबसे अच्छी जॉब भी यही है। आप लोग पूछते रहे तो ऊपरी कमाई, सबसे ज्यादा ऊपरी कमाई भी डीपो में है। तो बहुत जबरदस्त पद है इसमें, इसमें भी केवल क्या मांगा है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, ये बात ध्यान देना। और इसमें भी केवल पेपर 1 होगा, फेज 1 में भी पेपर 1 होगा, फेज 2 में भी केवल एक पेपर देना है, 120 क्वेश्चन का पेपर देना है, 240 नंबर का होता है, 1/4 निगेटिव होता है इसमें। और मैं आपको बता दूं कि इसके मार्क्स पे ही आपका क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। इसमें आपके ट्रेनिंग के भी मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू भी होता है। तो मतलब 80% आपका क्या होता है, इससे फेज 2 से मार्क्स लिया जाता है, 10% आपका ट्रेनिंग से होता है, 10% आपका इंटरव्यू से होता है, या आपका स्किल टेस्ट जो भी होता है उससे लिया जाता है। तो ये आपका है। बाकी AG
थ्री में आपका हिंदी भी आया है, पहले टाइपिस्ट भी होता था लेकिन इस बार हिंदी और टाइपिस्ट को मिला दिया गया है। और यहाँ पे केवल आपका क्या होना चाहिए, हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री होना चाहिए। और आपका कोई सर्टिफिकेशन अगर होता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का, तो और बढ़िया है। हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग आपका 45 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। हिंदी वाला जो 83rd आपका है, इसमें इंग्लिश की टाइपिंग नहीं मांगता, केवल हिंदी की टाइपिंग मांगता है, 30 वर्ड पर मिनट, ये ध्यान देना। अगर ये जोन वाइज है तो जोन वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉज करके देख लेना, या फिर आपको अलग जो वीडियो दी गई है उसमें सारी चीजें देख सकते हो। एक बार मैं आपको बता दूं इसका मुख्य मुख्य 2 मिनट में कि इसमें जूनियर इंजीनियर का पद है मैकेनिकल, और इसमें हिंदी स्टेनोग्रेड का आया है, टाइपिस्ट इस बार नहीं आया है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का आया है और जनरल अकाउंट टेक्निकल डिपो का आया है। पे स्केल जो होता है 11,100 से लेके 29,950 तक होता है। जेई का स्टेनो का 9,900 से लेके 25,530। एजी थर्ड हिंदी जो है ये 9,900 लेके 25,530। टाइपिस्ट इस बार है नहीं तो इसे की जरूरत नहीं है, ये दोनों मर्ज कर दिए गए हैं। और एजी थर्ड जनरल डिपो अकाउंटेंट टेक्निकल सभी के 93 से लोगे 22,940 होते हैं। टोटल इस बार जो 5,043 पद हैं, ये अच्छी बात है, इधर ध्यान देना। देख लो कि इसमें और क्या चीज मांगता है, तो और चीज मांगने में ये आपका मैंने बता ही दिया, ये ओ लेवल पहले मांगता था अब नहीं मांगता है स्टेनो में, ठीक है। ग्रेजुएशन में हिंदी केवल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया है। कट ऑफ देख लो पिछली बार कितना गया था, तो जनरल का 65 मार्क्स गया था, ये आपका किसमें गया था, फेज 1 100 क्वेश्चन में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन गया था, 100 नंबर का गया था। और फेज 2 में जो गया था 73 नंबर गया था एजी थर्ड वाले मतलब जनरल डिपो, और 120 में से जो गया था वो आपका टोटल देखा जाए एजी 3 के लिए जनरल के लिए 206 मतलब 240 नंबर में से गया था। तो पेपर पैटर्न आपका क्या होना चाहिए, जो मार्क्स जुड़ने हैं फेज 1 सभी के लिए है 25 25 25 25, यहाँ पे ध्यान देना 25 आपका क्या है रीजनिंग है, 25 आपका क्या है मैथ्स है, 25 आपका क्या है इंग्लिश है, और 25 आपका क्या है जीएस है। सभी के लिए 15 15 मिनट ही टाइम अलॉट होते हैं, उसके बाद आप क्या कर दोगे दूसरे में जा नहीं सकते हो। इसका मार्क्स जुड़ता नहीं, ये टोटल 100 का होता है, 100 नंबर का होता है। उसके बाद आपका फेज 2 आता है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो ध्यान देना ये जो पोस्ट हैं आपके, ठीक है, ये जो पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर और ये वाले, इनमें पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 में क्या होता है सबका कॉमन होता है, पेपर 1 कॉमन कैसे होता है कि 20 आपका क्या होता है इंग्लिश होता है, 20 आपका रीजनिंग होता है, 20 आपका क्या होगा कंप्यूटर साइंस होगा, 20 आपका जो 45 क्वेश्चन जो होता है वो आपका जीएस का होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो स्टेनोग्राफर वाला, इसमें क्या होता है पेपर 3 होता है, इसमें आपका कंप्यूटर साइंस के अलग से नॉलेज पूछा जाता है, 30 30 30 30 का 120 नंबर का 120 क्वेश्चन है 240 नंबर का पूछा जाता है। 30 आपका क्या होता है रीजनिंग होगा, 30 आपका क्या होगा इंग्लिश होगा, 30 आपका जीएस होगा, ऐसे करके 30 आपका कंप्यूटर होगा। और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल यहाँ पे पेपर 1 रहता है, फिर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड पेपर 1 और 2 रहता है, इसमें 2 रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा जो पेपर होगा ये रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का होता है, जो पेपर 2 होता है वो 60 क्वेश्चन का ही होता है, जेई वाले में मैकेनिकल सिविल और इसमें उसमें स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछेगा, अकाउंटेंट वाले में क्या होगा अकाउंटेंट से क्वेश्चन पूछेगा बीकॉम से, और जो आपका टेक्निकल वाला है टेक्निकल में आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर इनसे क्वेश्चन पूछेगा। इवन आपका जो हिंदी वाला है, पहले हिंदी के लिए पेपर 3 4 होता था, अब हिंदी के लिए भी पेपर 1 और 2 ही होगा, और उसमें भी पेपर 1 में जैसा सारे हैं वैसे ही होगा, और पेपर 2 जो होता है उसमें आपका क्या होगा इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जैसे 20 क्वेश्चन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, 20 क्वेश्चन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और आपके 4 4 4 4 क्वेश्चन की आपका लैंग्वेज के रूल्स पता होने चाहिए, भाषा के नियम पता होने चाहिए, भाषा क्या और भी सारी चीजें 4 4 नंबर का ऐसे करके दिया है, तो वो सारी डिटेल आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इसके लिए अलग से बहुत सारी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज बता पाना संभव नहीं है, इस कारण से आपके अलग अलग वीडियो आपको बताया दिया जाएगा जॉब प्रोफाइल के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो जेई वाले हो, चाहे वो जनरल डिपो वाले हो, चाहे फिर आपका अकाउंटेंट वाले हो, सबके लिए अलग अलग से बहुत सारी एकदम विधिवत। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे, और यदि आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसका बैच परीक्षा प्लस पे चलाया जा रहा है, बहुत मिनिमम फीस में चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अभी आप उस पे परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जुड़ सकते हो, या फिर आप क्या करो कोई समस्या होती है तो इस नंबर पे 9129697080 या फिर 9450000 और 6007 पे कॉल कर सकते हैं, सारी समस्या का समाधान दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन दे दीजिए, उसका सभी का हल आपको अलग से वीडियो के माध्यम से या कमेंट में दे दिया जाएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।